कराची के बुरे हालात, शहर पानी पानी, गलियां और सड़कें तालाब, जगह जगह घरों का सामान तैरने लगा। मकीन ऊपरी मंजिल पर महसूर, सबसे ज्यादा सरजानी टाउन मुतासिर हुआ। नॉर्थन बाईपास तेसर टाउन में रिहायशी घर छोड़ने पर मजबूर। सुपर हाईवे के अतराफ कायम झुग्गियां बह गई। सदर में पासपोर्ट ऑफिस के करीब सड़क धंस गई। सिटी कोर्ट में साइलिन के लिए बना शेड गिर गया। आहते में जमा पानी आज भी ना निकाला जा सका। आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पे जितनी जगह पे पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा नजर आ रहा है केएमसी का या किसी इदारे का, आपको कहीं नजर आ रहा है? घरों में भी कोई पानी, गली में हर गली में पानी है, गुजरने का रास्ता नहीं है। कायद में बारिश की परेशानी, बिजली दूसरे रोज भी बंद, गलियां तालाब बनी है, मगर साफ पानी का बहरान शदीद हो गया। इंतजामिया के तमाम तर दावों की कलई खुल गई। बारिशी पानी के निकास का कोई इंतजाम ना होना भी मुसीबत बन गया। कचरे से अटे नाले ओवरफ्लो कर गए। तेज बारिश के बायस शहर में सब्जियों की तरसील भी ना हो सकी। करंट लगने और दीगर हादसात में हलाकतें बढ़ने लगी। हैदराबाद में मुसलसल 20 घंटे से बारिश, गली मोहल्लों और घरों में पानी जमा होने से शहरी अजियत में मुब्तला। शहर में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मसाजिद में भी बारिश का पानी दाखिल। शहरी दूसरे इलाकों में नकल मकानी पर मजबूर। हेस्को के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने के बायस शहरी बिजली से महरूम। पीने के पानी की भी किल्लत हो गई। नवाबशाह, दादू, बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों का भी बारिश के बायस बुरा हाल। बदीन के करीब जामबा नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। केरथर में नदी नालों में तुगयानी। पुल टूटने से 200 देहात जेरे आब। गुजरावाला में शहरी जनाजे भी गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर। उधर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को मिलाने वाला दुमांदा पुल सैलाबी पानी के बायस बंद। गाड़ियों की कतार। रावलपिंडी में आर्मी एविएशन का तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह। आईएसपीआर के मुताबिक हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अरकान और 12 रिहायशी शहीद, 12 जख्मी हो गए। शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब, लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम, नायब सूबेदार अफजल, हवालदार इब्ने अमीन और हवालदार रहमत शामिल। जख्मी CMH अस्पताल में जेर इलाज। जाँ बहक अफराद के घर में ताजिद के लिए इलाका मकीनों की आमद जारी। गार्डन सिटी में इंटर हो रहा था, मेरी आंखों के बिल्कुल सामने सारा कुछ वाक्य पेश आया। और जब मेरा दोस्त बोला कि ये गिरने वाला है, मैंने कहा नहीं गिरता। वो अचानक से पोचल हुआ और पोचल होते ही साथ ही मैं ब्लास्ट की। जहाज यहाँ से गुजर रहा था तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उस तरफ जाए कभी इस तरफ आए, तो 3-4 मिनट के इधर उधर जाने के बाद यहाँ पे वो आबादी के ऊपर गिरा। तैयारा ठीक आ रहा था, तमाम लाइटें ऑन थी, मगर अचानक ही नजरों से ओझल हो गया और धमाके के साथ ही आग नजर आई। ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगु, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, वज़राए आला और विफाकी वज़रा समेत सियासी क्यादत का तैयारा। हादसे पर इजहार अफसोस, गमजदा खानदानों से इजहार ताज़ियत। शाह महमूद कुरैशी बोले, हादसे पर पूरी कौम सदमे में है, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सरहद पार हमले और तैयारा हादसे के शहदा के लिए दुआ। इजलास में 16 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। काबीना रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम और MT पासको की तैराती की मंजूरी देगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को वजारत इंसानी हकूक मुंतकिल करने की मंजूरी भी दी जाएगी।
साबिक वजीर खजाना के खिलाफ आमदन जायद असासों का केस, नैब लाहौर को इसहाक डार मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए, बाकायदा तहकीकात का आगाज। उधर इसहाक डार के बैंक अकाउंट से जब्त शुदा 50 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत को मुंतकिल, मुल्जिम का जब्त शुदा बंगला भी फरोख्त किया जाएगा। बागपतन अराजी स्कैंडल से मुतालिक नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश, एंटी करप्शन टीम ने 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। नवाज शरीफ ने कहा वजारत आला का दौर बहुत पुरानी बात है, अब याद नहीं, मशावरत के बाद जवाब देंगे। एंटी करप्शन की दीर्घकालीन टीम ने 1.25 घंटे तक पूछगछ की। नैब का मुस्तफा कमाल की जानिब से नाजेबा अल्फाज का नोटिस, कानूनी नोटिस भेजने का फैसला। मुस्तफा कमाल नैब अफसरान के बारे में कहे गए अल्फाज पर माफी मांगे, माफी ना मांगी गई तो नैब कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू करेगा। नैब का एलामिया, चेयरमैन पीएसपी का माफी मांगने से साफ इनकार। जज वीडियो स्कैंडल के अहम किरदार नासिर जंजुआ आज फिर गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। अदालत के बाहर मौजूद एफआईए टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। नासिर जंजुआ के इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अदालत में भी 7 अगस्त तक जमानत मंजूर। कफायशारी पर गामजन पंजाब हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी का अनोखा इकदाम, ग्रेड 17-22 के मुख्तलिफ केडर के अफसरान के एग्जीक्यूटिव अलाउंस में 150% तक इजाफा कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद सूबाई महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का दौरे अमरीका कामयाब और मुफीद रहा, सम्राट आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, मज़ीद बोले कि भारत ने हमेशा मसले कश्मीर पर सालिसी से राह फरार इख्तियार की, अफ़गान अमन अमल में सहूलत कारी कर रहे हैं मगर पाकिस्तान तनहा कुछ नहीं कर सकता, ये सबकी मुश्तरक जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारिजा का अफ्रीकी ममालिक के लिए तजारत के लिए जाम पॉलिसी तश्कील देने का अज़्म। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात में नया मोड़, दोनों ममालिक की जानिब से मुतालबात की फहरिस्त तैयार होना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के बाद बाहमी तजारत के पैकेज में नई सहूलतें देने का इम्कान है। अभी आपको हम खबर देंगे, मुस्लिम लीग नून का अहम रहनुमा और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज बिजली चोर निकला है। जी हां, मुलजिम अब्दुल सलाम स्ट्रीट लाइट से कुंडे लगाकर बिजली चोरी करता था। म्यूनसिपल कमेटी टेक्सिला की दरखास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून का अहम रहनुमा और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज भी बिजली चोर निकला। मुलजिम अब्दुल सलाम स्ट्रीट लाइट से कुंडे लगाकर बिजली चोरी करता था, जबकि म्यूनसिपल कमेटी टेक्सला की दरखास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद भी तहकीकात जारी हैं और उसके बाद हो सकता है कि मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। मुस्लिम लीग नून का ये अहम रहनुमा है और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज भी। एक और अहम खबर, लाहौर में कब्जा माफिया का राज है। 35 मकामात पर लैंड माफिया की जानिब से कब्जे किए जाने का इंतजाम हुआ है। अरबों रुपए मालियत की कीमती अराजी पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। एलडीए ने कब्जा माफिया की फहरिस्तें मुरतब कर ली हैं। आपको बता रही हैं, लाहौर में भी कब्जा माफिया का राज है। 35 मकामात ऐसे हैं जहां पर लैंड माफिया की जानिब से कब्जे किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अरबों रुपए मालियत की कीमती अराजी पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं, जबकि एलडीए ने कब्जा माफिया की फहरिस्तें मुरतब कर ली हैं। अरबों रुपए मालियत की यह कीमती अराजी है जिस पर कब्जा माफिया जो है उसने पंजे गाड़ रखे हैं। इंकशाफ हुआ है 35 मकामात पर लैंड माफिया की जानिब से कब्जे किए जाने का। लाहौर में भी कब्जा माफिया उसका राज बरकरार है।
आपको अहम खबर देंगे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के कौमी सलामती सर्विसेज के चेयरमैन ने मुलाकात की है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरतहाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई है।